हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं करूंगा कंप्लीट रिव्यू हमारे आईफोन XS Max का 2023 में। अब बात करूं इस फ़ोन की, तो यार ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हॉट फेवरेट है इस टाइम पे। इसकी प्राइस की बात करूं तो 60 से 80,000 के दरमियान आपको मिलता है। अगर आप बात करते हैं, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में ले रहे हैं आप और कितने GB का वेट मिलता है। सबसे सस्ता ये JV पे 64 GB मिलता है 60,000 के अराउंड अबाउट। बात करूँ सबसे पहले इस फ़ोन की डिज़ाइन की, तो ये एक ऐसी चीज़ है इस फ़ोन को ये एक पुराना फ़ोन है, 2018 का फ़ोन है। अब जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है उस पर पता लग जाता है कि भाई हाँ ये एक पुराना फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा स्टाइल दिया गया है वो थोड़ा सा पुराना लगता है देखने में, लेकिन ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक ग्लास मिलता है और जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील का है, मतलब ये है कि एल्युमिनियम से भी ज़्यादा पावरफुल स्टेन यहाँ पर आपको बॉडी मिलती है, जो कि आपको हर आईफोन कोई भी अगर आईफोन आप टॉप एंड आईफोन लो तो आपको स्टेनलेस स्टील ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़रा अच्छा लगता है बिल्ड क्वालिटी और एक सॉरी और एक ये जो है एक स्लिम फ़ोन है, मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो थिकनेस है वो स्लिम देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराता है इन हैंड फील। और थोड़ा चौड़ा फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है। अगर आप आईफोन के हिसाब से देखो तो बड़ा फ़ोन है, लेकिन अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो और बड़ा फ़ोन आपको पसंद है तो ये फ़ोन आपको पसंद आने वाला है। अब मैं बात करूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले की, भाई 6.5 इंच का डिस्प्ले है, एक OLED पैनल है। यहाँ पर जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 60Hz डिस्प्ले है, वहाँ उस टाइम पे आपको 60Hz ही मिलता था। तो यहाँ पर टच भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और कलर्स डिस्प्ले के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बड़ी सी नॉच ज़रूर है, मैं यहाँ पर इसका डार्क मोड ख़त्म करके आपको नॉच दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नॉच मतलब देख सकते हैं कि एक बड़ी सी नॉच है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे के जो बेजल हैं वो ना होने के बराबर हैं। 87% ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉडी स्किन टू बॉडी रेशियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उस टाइम पर। अभी भी ये फ़ोन जो डिस्प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक तो बड़ा डिस्प्ले है, अब आईफोन में ये वाहिद फ़ोन था जिसमें इतना बड़ा डिस्प्ले आया था। और अगर आप देखें तो आपको इतना बड़ा डिस्प्ले इसी फ़ोन में मिलता है, इसके अलावा आपको फिर आईफोन 11 प्रो लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा महंगा फ़ोन है। और ओवरऑल डिस्प्ले के जो कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पर जो मुझे डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि एक OLED पैनल है तो यहाँ पर जो डिस्प्ले कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनेस भी डिस्प्ले की अच्छी है। सो डिस्प्ले में है और बिल्ड क्वालिटी में 10 out of 10 नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो भाई परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सीरियसली इस टाइम पर भी ये फ़ोन शाइन करता है परफॉर्मेंस। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो, उसका जो ओपनिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर ऐसे कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला, पूरी UI जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो एप्पल फ़ोन है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कोई भी यहाँ पर फ़ोन स्टक होता हुआ नहीं मिला मुझे। 4GB रैम है और यहाँ पर आपको एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर मुझे ऐसे कोई भी लैग वगैरह देखने में नहीं मिला, और डे टू डे यूजेज तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब बात करूँ अगर इस फ़ोन की टच रिस्पॉन्स की, तो टच रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला। हाँ 60Hz है, अगर आप कोई 90Hz का डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो एप्पल ने बहुत अच्छे से इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट रखा है फ़ोन, और इनका जो सॉफ्टवेयर है उसी के सारे पैसे होते हैं। अब मैं बात करूँ अगर इस फ़ोन की गेमिंग की, तो गेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर लेता है ये फ़ोन। यहाँ पर PUBG में आपको 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी मिल जाता है। ओवरऑल गेमिंग के रिगार्डिंग भी अच्छा फ़ोन है। हाँ बैटरी की बात करूँ तो भाई बैटरी यहाँ पर 3174 mAh की बैटरी है। अब ये बैटरी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन आईफोन के हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी मिल जाती है। मैं आपको ज़रा बैटरी का दिखा दूँ कि भाई मुझे एवरेज यूजेज ये फ़ोन क्या दे रहा है। मैं दिन में एक ही बार चार्ज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
मुझे ऑलमोस्ट, मैंने 6 घंटे 15 मिनट इसको यूज़ किया है कल, और मैंने एक चार्ज भी यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकअप। हाँ, मेरी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन थी वो बिल्कुल लो पड़ती, और मैंने वाईफाई पे यूज़ किया था, तो उसमें मुझे इसने 6.25 घंटे दिए। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि आप इसको जो है 4G वगैरह भी यूज़ करते हो, तो 4G भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पर 4 घंटे का मुझे स्क्रीन बैकअप दिया है। लेकिन मेरे पास जो बैटरी हेल्थ है वो 80% है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने बैटरी हेल्थ ज़रूर चेक कर लेनी है कि बैटरी हेल्थ आपको कितनी मिली। 100% है तो बैटरी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अगर 80% है या 85% है तो चांसेस हैं कि बैटरी ओरिजिनल है। इसके अलावा बात करूँ अब इस फ़ोन की मैं मेन चीज़ की, तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने इसको एंड्रॉयड iOS 17 पे अपडेट किया हुआ है, मतलब बीटा अपडेट में iOS 17 पे किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके देख सकते हैं कि iOS 17 पे ये अपडेट है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर यहाँ पर हैं, अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो आपको iOS 17 की अपडेट भी यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करूँ कैमरे की, फिर मैं बात करूँ कंक्लूजन की। कैमरे पर आप ज़रा वीडियोस वगैरह देख लें, पिक्चर वगैरह देख लें, फिर बात करते हैं। मैं तो दोस्तों ये वीडियो बन रही है हमारे iPhone XS Max से। अब यहाँ पर मैंने Full HD 30 फ्रेम पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टडी मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डिटेलिंग आईफोन की हमेशा से अच्छी रही है, तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही है। दोस्तों जो है इसका फ्रंट कैमरा iPhone XS Max का, अब यहाँ पर मैंने Full HD 30 फ्रेम पर वीडियो बना रहा हूँ। 7 मेगापिक्सल का कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं लंबा करना पड़ रहा अगर मुझे पूरा जो है वो आना हो, और डिटेल अच्छी है। 7 मेगापिक्सल के हिसाब से iPhone X भाई यहाँ पर डिटेलिंग जो है अच्छी। बाकी साउंड आप खुद बताएं कि साउंड कैसा आ रहा है। बाकी मैं बात करूँगा फाइनल कंक्लूजन में कैसा कैमरा है कैसा, तो बात करूँ अभी भी क्योंकि शेडो भी जो है मेरे चेहरे को बैक हैंड HDR काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मेरे चेहरे को ज़्यादा वो नहीं कर रहा। और जब गाड़ियाँ भी जा रही हैं तो आप साउंड भी चेक कर सकते हैं कि साउंड कैसा प्रोवाइड कर रहा है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों वीडियोस वगैरह आपने देखनी है इस फ़ोन की। बात करूँ कंक्लूजन की, तो भाई ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट टेलीफोटो लेंस है इस फ़ोन में, मतलब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट मिलता है। डे लाइट की बात करूँ, डे लाइट में पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी ले लेता है, एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेनटेन कर देता है, डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल वीडियोज़ भी मुझे अच्छी लगी। लेकिन लो लाइट में ये फ़ोन मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक तो नाइट मोड नहीं मिलता, ऊपर से लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा डार्क पिक्चर आती हैं। तो अगर आप लो लाइट में कोई अच्छा फ़ोन लेना चाह रहे हो तो पिक्सल की तरफ जाओ, मैं तो ये ऑफर करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर अच्छी लाइटनिंग हो तो आपको जो है ये फ़ोन अच्छे रिजल्ट दे देता है आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में भी, लेकिन अगर लाइटनिंग ज़्यादा अच्छी ना हो तो लो लाइट में थोड़ा डिसअपॉइंट करता है। इसके अलावा वीडियो अच्छी बना देता है, 4K 60 फ्रेम का ऑप्शन मेरे को मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करता है। ओवरऑल वीडियोस के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा, और पिक्चर्स भी डे लाइट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और टेलीफोटो लेंस तो भाई बहुत ही ज़्यादा VIP है। तो अगर आपको बेस्ट टेलीफोटो लेंस चाहिए, बेस्ट पोर्ट्रेट मोड चाहिए इस प्राइस में, तो इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अब मैं बात करूँ इस फ़ोन की फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पर आपको 7 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि आपको नॉर्मल पिक्चर दे देता है, आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो सेल्फी कैमरा है वो भी बेहतर है, और आपको फ्रंट पे भी AI की सपोर्ट मिल जाती है, वीडियोज़ जो है फ्रंट पे अच्छी बना लेता है, और पिक्चर भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी।
अब मैं बात करूँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, यहाँ पर फेस आईडी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इसके अलावा कोई भी हेडफोन जगह आपको नहीं मिलता, और कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर नहीं है आईफोन है तो ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है इस प्राइसिंग में। अगर आप कोई आईफोन ही देख रहे हो तो ये फ़ोन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है कैमरे के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बैटरी लाइफ भी मुझे सरप्राइजिंगली इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।